तो इस वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे चार ऐसे टिप्स जिससे आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर अगर स्लो हो गया है तो वो वापस से खरगोश वाली स्पीड से चल सकता है, मतलब उससे ज्यादा स्पीड से चल सकता है। और चारों टिप ऑब्वियसली जेन्युइन होने वाले हैं क्योंकि ये हार्डवेयर टिप्स है और हार्डवेयर इंप्रूव करने से परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाता है। तो चारों टिप के बारे में हम बात करने वाले, तो लेट्स स्टार्ट। तो टिप नंबर वन ये है कि काफी सारे लोगों का अगर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्लो है तो वो लोग जनरली मोस्ट प्रोबेबली रैम को अपग्रेड करते हैं, लाइक 4GB का है तो 8GB करते हैं या फिर 8GB का है तो 16GB करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, रैम आप अपग्रेड कर सकते हो, बट रैम को आप डुअल चैनल मेमोरी में अपग्रेड करो। लाइक अगर आपका रैम 4GB का है और आप अपग्रेड कर रहे हो 8GB में, तो आप 8GB का सिंगल स्टिक मत लो, आप 4GB के दो स्टिक लो। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, अगर आपके पास 8GB की सिंगल स्टिक है तो एक ही पर्सन काम कर रहा है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके कंप्यूटर में, जो भी टास्क चल रहा है, जो भी आप गेम खेल रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो वो 8GB की सिंगल स्टिक काम कर रही है, एक पर्सन काम कर रहा है। बट अगर आपके पास 4GB की दो स्टिक है तो कोई भी काम दो पर्सन एक साथ करेंगे तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा अच्छा देखने मिलेगा। तो फर्स्ट टिप तो यही है। और यार इसमें कुछ ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, लाइक अगर 8GB की सिंगल स्टिक ₹100 की है तो आपको 4GB की दो स्टिक ₹300 में देखने मिल जाएगी, मतलब ₹300 आपको एक्स्ट्रा पे करना है या फिर 400 मैक्स टू मैक्स 500 ₹300 लिनोवो के वेबसाइट पे चल रहा है। लाइक 8GB के सिंगल स्टिक का प्राइस कुछ तो है, पता नहीं क्या है, बट 4GB के दो स्टिक का प्राइस ₹300 एक्स्ट्रा है। तो डुअल चैनल मेमोरी को प्लीज यूज करो और परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा देखने मिलेगा आपको। और सेकेंड टिप ये है कि आप HDD अगर यूज कर रहे हो काफी टाइम से तो आप एक SSD पे स्विच कर जाओ। और SSD अगर आपके पास है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये बहुत ही फास्ट होती है, इसमें जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो बहुत ही फास्ट होती है। आपका जो एप्लीकेशन लोडिंग टाइम है, बूट टाइम है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का, वो बहुत ही कम हो जाएगा और जो एप्लीकेशन है वो जल्दी लोड होगी और आप फास्टली सारे एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो। जनरली SSD में बहुत ज़्यादा स्पीड देखने मिल जाती है आपको HDD से, और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देती है। और अगर आप गेमिंग करते हो, हैवी टास्क करते हो, तो प्लीज़ आप एक SSD पे शिफ्ट हो जाओ जल्द से जल्द, क्योंकि गेमिंग और हैवी टास्क में SSD अगर होगा तो बहुत ही अच्छी स्पीड आपको देखने मिलेगी और सरदर्द कम हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन लोड होता है, अगर टाइम ले रहा है एप्लीकेशन लोड होने में तो बहुत ज्यादा सरदर्द होता है, लैपटॉप कंप्यूटर को पीटते रहते हैं हम। तो SSD पे स्विच हो जाओ, टाइम बचाओ और परफॉर्मेंस पा जाओ। और थर्ड टिप जो है वो स्पेसिफिकली लैपटॉप के लिए, लैपटॉप टाइम बाय टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो होता जाता है और 3-4 साल बाद लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा स्लो जाता है, बहुत ज़्यादा लैग करता है। और काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि रैम अपग्रेड कर दिया है, SSD ले ली, तब भी स्लो चल रहा है लैपटॉप, बट कुछ काम नहीं करता, फिर ज़्यादा दिमाग खराब होने लगता है कि क्या हो गया लैपटॉप को हमारे। बट मैं आपको बताता हूँ, जो लैपटॉप का बैटरी है उसका एवरेज लाइफ होता है 3-4 साल, तो 3-4 साल बाद आपको लैपटॉप के बैटरी को अपग्रेड करना चाहिए, मतलब चेंज कर देना चाहिए सर्विस सेंटर से या फिर कहीं से भी, उससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके पास 35,000 to 40,000 वाला बजट वाला लैपटॉप है तो जनरली आपको 3-4 साल में एक बार तो बैटरी को चेंज करना ही चाहिए। और 50,000 के अबाव अगर आपके पास लैपटॉप है, करंटली जितने भी नए लैपटॉप्स आ रहे हैं उनका जो बैटरी का एवरेज लाइफ है वो 4-5 साल हो गया है, तो 4-5 साल बाद जनरली अगर आपने लैपटॉप के बैटरी को चेंज कर दिया तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छा देखने मिल सकता है आपको, जो नए वाले लैपटॉप में जैसा परफॉर्मेंस मिलता है वैसा परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है। और काफ़ी सारे लोग इस बात को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो लोग सोचते हैं बैटरी का कुछ रिलेशन नहीं होता, बट होता है। इंटरनली जितने भी रिएक्शंस होते हैं बैटरी में, मॉलिक्यूल्स टूटते रहते हैं, फिर बैटरी जो है वो वीक हो जाता है और फिर लैपटॉप को उतना पावर नहीं मिल पाता जिससे वो हैवी टास्क को या फिर नॉर्मल से भी टास्क को फ्लुएंटली या फिर स्मूथली परफॉर्म कर सके। इसलिए मैं बोलता हूँ आप 4-5 साल में लैपटॉप का बैटरी प्लीज चेंज करवाओ, अगर आपके पास 50,000 के ऊपर वाला लैपटॉप है या फिर अगर आपके पास बजट लैपटॉप है तो उसको तो आप प्लीज 3 साल में एक बार तो जरूर बैटरी उसका चेंज कराओ। और जो लास्ट टिप है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोगों का लैपटॉप जो है वो हीट करता है और थर्मल थ्रॉटलिंग देखने मिलती है। थर्मल थ्रॉटलिंग ये होता है कि अगर आपका लैपटॉप हीट कर रहा है तो जो CPU परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है और आपको लैग देखने मिलता है। अगर आपके लैपटॉप में फ्रीक्वेंटली थर्मल थ्रॉटलिंग हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है और आपका लैपटॉप का एवरेज लाइफ कम हो सकता है और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो आप इस केस में कूलिंग पैड को यूज़ कर सकते हो, ये भी 400 से 500 रुपये का आपको देखने मिल जाता है। और कूलिंग पैड जनरली इसलिए यूज़ होता है ताकि लैपटॉप जो है वो ठंडा रहे और आपका दिमाग गर्म ना हो उससे, और लिटरली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है गेमिंग के लिए। अगर आप ज़्यादा गेमिंग कर रहे हो या फिर कोई भी हैवी टास्क कर रहे हो जिससे
हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और लॉन्ग गेमिंग कर रहे हो या फिर लॉन्ग हैवी टास्क कर रहे हो तो कूलिंग पैड को अगर आप यूज करोगे तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। और गेमिंग लैपटॉप्स में तो जनरली ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। कूलिंग पैड यूज करोगे आप तो थर्मल थ्रॉटलिंग कम देखने मिलेगी और परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और हम नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।